यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। यूपी के राज्य कर्मचारियों में हाहाकार, योगी सरकार ऐसे लोगों को करने जा रही जबरन रिटायर। योगी सरकार सरकारी विभागों में कार्यरत 50 साल से अधिक उम्र वालों को जबरन रिटायर करने जा रही है। 31 जुलाई तक इस पर फैसला हो जाएगा। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों में हाहाकार मचा हुआ है। यूपी की योगी सरकार सरकारी विभागों में कार्यरत 50 साल से अधिक उम्र वालों को जबरन रिटायर करने जा रही है। ऐसे कर्मचारी जो भ्रष्टाचार, गंभीर बीमारी, काम न करने वाले और जांच में फंसे हैं, उनके अनिवार्य रिटायरमेंट पर 31 जुलाई तक फैसला करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी जानकारी 15 अगस्त तक कार्मिक विभाग को देनी होगी। यूपी में कर्मचारी 60 साल की उम्र पूरी होने पर रिटायर किए जाते हैं। पहले कुछ विभागों में 58 साल भी था। मंगलवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने विभागाध्यक्षों को एक आदेश जारी किया, जिसके बाद राज्य कर्मचारी में हाहाकार मचा गया है। दरअसल इस आदेश में कहा गया है कि स्क्रीनिंग कमेटी 31 मार्च 2022 को 50 साल की आयु पूरी करने वालों के नामों पर विचार करेगी। यह आयु पूरी करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्ताव रखकर यदि उसे सेवा में बनाए रखने का फैसला एक बार कर लिया जाता है तो बार बार स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष उसके नाम को पुनः रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे कर्मचारी को सेवानिवृत्त की अवधि तक सेवा में बनाए रखा जाएगा। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। कोई भी सरकार हो, कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करती है। कर्मचारियों का अभी तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा, कर्मचारियों का कोई भी लाभ जैसी बातें नहीं करके बल्कि उनको नुकसान करने की बात कर रही है। कर्मचारी 30-31 वर्ष में सेवा में आता है और अपने परिवार का सेवा के माध्यम से ही लालन पालन पोषण करता है, अन्य कोई और उसका धंधा नहीं होता है। जब उसके बच्चे बड़े होते हैं तो शादी विवाह की बात होती है, 50 वर्ष यूं ही बीत जाता है। उसके बाद जब कर्मचारी अपने बच्चों की शादी की बात करता है तो सरकार रिटायरमेंट की बात करती है, छटनी सुविधा की बात करती है, छटनी करने की बात करती है। ये कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अच्छा, एक तरफ अभी पेंशन भी बंद हो चुकी है तो ऐसे में ये फैसला लाना कहीं कहीं बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। वो तो बहुत ही नुकसानदायक है क्योंकि पेंशन बंद करके जो कर्मचारियों के लिए वो लाठी था, एक सहारा था कि अपने परिवार अपने सेवानिवृत्ति के बाद कम से कम अपना जीवन यापन तो करता था, किसी के सहारे नहीं रहता था, लेकिन वो भी छीन लिया गया। अब 50 वर्ष में छटनी करके कर्मचारियों को इस तरह तबाह कर दिया जाएगा कि अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाएगा और बच्चों की शादी नहीं कर पाएगा। कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार कर्मचारियों के फायदे की बात नहीं करती है। नेता अगर अपनी बात करनी होती है तो एक जगह बैठ करके सदन में बैठ करके अपनी महंगाई भत्ता बढ़वा लेते हैं, अपनी सांसद निधि विधायक निधि बढ़ जाती है, कभी वो रिटायरमेंट नहीं होंगे, कभी उनकी आयु रिटायरमेंट की नहीं होती है, उनकी पेंशन समाप्त नहीं होती है, पेंशन उनको बराबर मिलता रहता है। केवल कर्मचारी ही सरकार की नज़र में खटकते हैं, कर्मचारियों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार सरकार करती है।